भारत पर 200 सालों तक राज करने वाले ब्रिटेन की कमान हमेशा से वहाँ की प्रिंसेस एलिजाबेथ के शाही परिवार के हाथों में रही है। आज भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्वीन एलिजाबेथ से मिलकर उन्हें देश के हालातों के विषय में बताते हैं। वे रानी को उनके साम्राज्य के हालातों से रूबरू करवाते हैं। हालांकि देश के कामकाजों में शाही परिवार सीधे तौर पर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। युवा उम्र की राजकुमारी से लेकर इस उम्र तक क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन के शाही परिवार की अगुआ है। 95 साल की हो चुकी क्वीन एलिजाबेथ, इनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें खुद को उम्रदराज कहलाना पसंद नहीं है। हाल ही में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने अपना 96वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया था। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को ब्रिटेन के तत्कालीन शासक किंग जॉर्ज 6 के घर हुआ था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग जॉर्ज फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें अपनी मौत का डर हर वक्त सतावा रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी एलिजाबेथ की शादी प्रिंस फिलिप के साथ कर दी। महारानी एलिजाबेथ के जीवन से जुड़े तमाम किस्से अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इन्हीं में से एक है उनके राजकुमारी से महारानी बनने तक का। खबरों के मुताबिक राजकुमारी एलिजाबेथ आज से ठीक 70 साल पहले अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ केन्या के एम्बरडेल्स जंगलों में छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी। उस वक्त वे जवान थी और उनकी उम्र 25 साल की थी। 6 फरवरी 1952 की रात को राजकुमारी एलिजाबेथ अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ पेड़ों पर बनी लॉज में पहुंची थी। यहां उन्होंने रात गुजारी थी। सुबह उन्हें राजदूतों के जरिए ये खबर प्राप्त हुई थी कि उनके पिता किंग जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर उनके होश उड़ गए थे। मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने इस घटना का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जिस वक्त एलिजाबेथ पेड़ पर चढ़ रही थी उस समय वे एक राजकुमारी थी, लेकिन सुबह जब वे पेड़ से उतर रही थी तो वे महारानी बन चुकी थी। इस बात को लेकर पेड़ों पर बना ये होटल आज भी प्रसिद्ध है। 2 जून 1953 को आधिकारिक तौर पर एलिजाबेथ को साम्राज्य की महारानी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उनका राज्याभिषेक भी किया गया था। बताया जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गई। उनकी सारी शिक्षा उनके घर पर ही हुई। उन्हें बचपन से जानवरों से काफी लगाव था। यही वजह थी कि आगे चलकर वे घोड़ों की रेस में पैसे लगाने के लिए मशहूर हो गईं। जब एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज का निधन हुआ तब एलिजाबेथ की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। 6 फरवरी 1952 को लेकर अब तक ब्रिटेन की महारानी हैं। इस हिसाब से इन्हें ब्रिटेन के महारानी बने हुए 7 दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है। जब एक युवा लड़की शाही परिवार की प्रमुख बनी जिसके अंतर्गत दर्जनों देश आते थे, तब दुनिया की नज़र उन पर टिकी थी। उन्होंने अनेकों विवादों को अपने दम पर हल किया और दुनिया पर अपना अलग प्रभाव छोड़ा। ब्रिटेन में शाही परिवार सरकार के काम में ज्यादा दखलअंदाजी नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरे देश की नज़र शाही परिवार पर ही रहती है। शासन के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी है। ऐसे में उनके सामने भी कई मुश्किलें आईं जिनका सामना उन्होंने चट्टान की तरह किया। इनमें पारिवारिक मामले भी रहे। ऐसे में एक महारानी के तौर पर उनके निर्णयों पर सबकी नजर रहती है। उनकी बहन की शादी हो या प्रिंस चार्ल्स की प्रिंसेस डायना के साथ शादी, इन दोनों निर्णय पर उनके सामने बड़ी मुश्किलें पैदा हुई थी। वे लगातार शाही परिवार के नियमों का पालन करती रहीं। तो ये थी क्वीन एलिजाबेथ की कहानी, जिन्होंने हर मुश्किल का सामना चट्टान की तरह किया। आपको क्वीन एलिजाबेथ की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।